नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं Realme Buds Air Pro की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। Realme प्रोडक्ट का बॉक्स येलो कलर में ही आता है, उसी तरह ये भी येलो कलर में ही है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 25 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम, डीप बेस। दोस्तों इस प्रोडक्ट का MRP है 5999, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। Realme लिंक ऐप के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों पैकेज में आपको मिलेगा चार्जर केस, एयर ट्रिप्स, टाइप सी केबल, यूजर गाइड, सेफ्टी स्टैंडर्ड कार्ड, वारंटी कार्ड। ये है मेन यूनिट। फर्स्ट इम्प्रेशन में ये आपका एप्पल प्रो का कॉपी लग रहा है। डिजाइन अच्छा है, मगर ये इतना शार्प है कि आप देख पा रहे हैं ये फिंगरप्रिंट पड़ रहा है। इसमें आपको चार माइक मिलेगा और इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वो बढ़िया है। मुझे ये मिला है 4949 में। एक्सेसरीज में आपको मिल जाएगा एयर ट्रिप्स, लगभग चार पेयर एयर ट्रिप्स आपको मिल जाएगा। साथ में आपको टाइप सी येलो कलर एक केबल आपको मिलेगा जिसके ऊपर Realme का ब्रांडिंग किया हुआ है, मगर ये केबल बहुत ही छोटा है। साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप इसको खरीदते हैं तो बाद में आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। बॉक्स के ही साइड में आपको एक बटन मिल जाएगा जो रीसेट बटन है। दोस्तों डिजाइन अच्छा है, पेयरिंग भी बहुत अच्छे हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ये जो फोन है Realme One, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था Realme लिंक से आप अगर जोड़ेंगे तो इसके पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दोनों ही ईयरबड्स में 100% चार्ज है और केस में है 60%। इसी ऐप से आप नॉइस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। इसका जो टच रिस्पॉन्स है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टच रिस्पॉन्स अच्छा है, मगर आप दो चार दिन अगर यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल आपको टच कहाँ करना है। ईयरबड्स और केस लगभग 2 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है। सिर्फ आपका जो ईयरबड्स है वो आपको 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में कहें तो ब्लूटूथ 5 में चलता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। बैटरी लाइफ के बारे में कहें तो 20 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करके 50% वॉल्यूम में सुनते हैं। अगर इसमें से आप अगर नॉइस कैंसिलेशन को बंद कर देते हैं तो इसका जो प्लेबैक टाइम है 25 घंटे तक मिल जाता है। अगर सिर्फ ईयरफोन के बारे में कहें तो लगभग 5 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा 50% वॉल्यूम में विद नॉइस कैंसिलेशन के साथ। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को बंद कर देते हैं तो लगभग 6 घंटे का आपका प्लेबैक टाइम मिल जाएगा 50% वॉल्यूम के अंदर। अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे 3 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को बंद रखते हैं और 50% वॉल्यूम में सुनते हैं। इसके साउंड क्वालिटी के बारे में कहें तो इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, 10mm ड्राइवर के साथ आता है। IPX4 इसका रेटिंग है सिर्फ ईयरफोन में। लगभग 10 मीटर का इसका रेंज है। 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो गाना आप देख रहे हैं इसी गाने के एक्सपीरियंस के ऊपर इस हेडफोन को जज किया गया है। अगर कॉलिंग के बारे में कहें तो कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि इसका नॉइस कैंसिलेशन सच में काम करता है। अब आ जाता है इसका ऑडियो क्वालिटी के बारे में। दोस्तों अगर आप लाउड म्यूजिक सुनने का आदी है तो ये हेडफोन आपके लिए परफेक्ट होगा। दावे के साथ कह सकते हो इस हेडफोन में आप 100% तो कभी भी नहीं सुन पाएंगे, ये इतना लाउड है। बेस के बारे में आते हैं, दोस्तों कंपनी का दावा तो है डीप बेस, मगर बेस के बारे में कहें तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। दोस्तों इस ईयरफोन की सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो उसी वक्त अपने ईयरफोन को अपने कानों से उतर दिया तो गाना सीधा बंद हो जाता है। जब उसको कानों में डालेंगे उसके बाद फिर से वो शुरू होगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप Realme फोन यूज करते हैं तो ये हेडफोन आपके लिए बढ़िया है। साथ में अगर आपको AirPods Pro बहुत पसंद है तो 100% आप इस हेडफोन को ले सकते हैं। AirPods Pro की तरह साउंड शायद ही आपको नहीं मिलेगा, मगर फील आपको शायद जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर ओवरऑल कहे तो इसको लिया भी जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है। इस प्राइस रेंज में इससे भी अच्छा हेडफोन अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हर हर महादेव।